इंसान चाह ले तो उसे कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं तृष्णित अरोड़ा की, जो 8वीं के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, पर अपने फैशन और लक्ष्य से डिगे नहीं, और आज सारी दुनिया इनकी सफलता को सलाम कर रही है। इनकी बचपन से ही कंप्यूटर में गहरी रुचि थी, जिसके कारण अपनी पढ़ाई पर ये ध्यान नहीं दे सके और 8वीं की परीक्षा में 2 पेपर नहीं देने के कारण परीक्षा में फेल हो गए। लेकिन अपने परिश्रम से इन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग ही सोच सकते हैं। आज उन्होंने महज 22 साल की उम्र में हजारों करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया है। तृष्णित एक एथिकल हैकर हैं। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए तृष्णित का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इनकी कंप्यूटर में इतनी रुचि थी कि सारा वक्त इसी में चला जाता था और बाकी सब्जेक्ट्स पर ये ध्यान नहीं दे पाते थे। अपने कंप्यूटर के प्रति लगाव के कारण और विषय में फेल होने पर इनके माता पिता ने इन्हें खूब डांटा। दोस्त और परिवार के लोगों ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फेल होने के बाद रेगुलर पढ़ाई छोड़कर इन्होंने अपना पूरा ध्यान कंप्यूटर पर लगाया। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर और हैकिंग के क्षेत्र में गहराई से जुड़ते चले गए। इनके माता पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तृष्णित कंप्यूटर में अपने शौक को ही करियर बनाने का फैसला कर चुके थे। अपनी मेहनत, लगन और शौक के दम पर धीरे धीरे इनके काम को सब जानने लगे। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में TSE सिक्योरिटी नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनाई थी, और अब इनकी कंपनी रिलायंस, CBI, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, अमूल और एवन साइकिल जैसी कंपनियों को साइबर से जुड़ी सर्विसेज दे रही है। इन्होंने कुछ किताबें जैसे हैकिंग टॉक विद तृष्णित अरोड़ा, दी हैकिंग एरा और हैकिंग विद स्मार्टफोन्स भी लिखी हैं। दुबई और UK में इनकी कंपनी का वर्चुअल ऑफिस है। करीब 40% क्लाइंट्स इन्हीं ऑफिसेज से डील करते हैं। दुनिया भर में 50 फॉर्च्यून और 500 से ज़्यादा कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं। इन्होंने नॉर्थ इंडिया की पहली साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का सेटअप भी किया है। अब इनकी नज़र अपने बिजनेस को US ले जाने की है। इन्होंने इसी साल जनवरी में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ये कंपनी का टर्नओवर बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहते हैं। 2013 में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इन्हें सम्मानित किया। इसके बाद 2014 में इसी काम को लेकर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गणतंत्र दिवस पर स्टेट अवार्ड दिया, और 2015 में इनको फिल्म एक्टर आयुष्मान खुराना सहित 7 हस्तियों के साथ पंजाबी आइकन अवार्ड दिया गया। इनका कहना है कि पैशन के आगे हर चीज़ छोटी है और सफलता वही है जहां अपने काम के प्रति लगाव हो। हालांकि यह डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन को कामयाबी या नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं मानते। वो कहते हैं स्कूली पढ़ाई को उतना ही महत्व दीजिए जितना ज़रूरी है। ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। वक्त भी झुक जाएगा, तू कदम तो बढ़ाकर देख, सफलता मिलकर रहेगी, तू एक जुनून जगा के देख। इनका यह भी मानना है कि असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलताएं आगे बढ़ाने का रास्ता बताती हैं और आपको अपने मजबूत पक्ष का बेहतर पता चलता है। अपने लगाव, हुनर, परिश्रम और सूझबूझ से तृष्णित ने 22 साल की उम्र में जो कंपनी खड़ी की है, वो इनके कड़ी मेहनत को दिखाता है। इतनी छोटी उम्र में सफलता के झंडे गाड़कर इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सफलता उम्र की नहीं, परिश्रम व लक्ष्य के प्रति लगन देखती है। मिलेगी सफलता, इसमें कोई शक नहीं, मत रुक तू, कुछ कर तो सही। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।